हेलो एवरी वन नाउ लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाई स्टेप राइट तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन वेरी शॉर्ट मैथड वेरी इजी मैथड टेबल टू टेबल मैथड तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टेप्स कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यू हैव टू राइट समथिंग राइट तो लेट्स जस्ट लाइक एन एफ ए टू डी एफ ए ना सिमिलर टू एन एफ ए टू डी एफ ए तो स्टेप वन आई एम गोइंग टू राइट इज स्टेप वन स्टेप वन तो क्या किया था एन वाले में स्टार्टिंग अच्छा इस ये ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इसके एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक एक्टिव एग्जाम एक में ये डायग्राम दिया था हमने इसका टेबल बनाया टेबल से इसका क्लोजर बनाया क्लोजर uh, इसका ले लिया क्लोजर मीन्स जीरो का क्लोजर दैट इज जीरो वन क्लोजर इज वन टू मीन्स वन से हम नल मूव पे वन और इट्स सेल्फ टू पर भी जा सकते तो वी ना तो ये सारी जस्ट प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस कर चुके हैं ना सेम जो हम लोगों ने मैथड फॉलो किया था उसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिखने जा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से साइड में साइड में हम इसको भी लिखते चले जाएंगे ध्यान से तो एन एफ ए में क्या इसमें एन एफ ए टू डी एफ ए में क्या किया था हम लोग स्टार्टिंग स्टेट लिया था स्टार्टिंग स्टेट क्या है स्टार्टिंग स्टेट इज जीरो तो यहाँ भी लिख रहे हैं कंसीडर स्टार्टिंग स्टेट जीरो कंसीडर कंसीडर स्टार्टिंग स्टेट दैट वेरी इजी स्टार्टिंग स्टेट दैट इज जीरो राइट अब क्या होगा अच्छा यू नो फॉर्मूला क्या इसका किसी भी अब, अब क्या करूंगा मैं जीरो का नल क्लोजर निकालेंगे नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ दैट इज जीरो मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टेट का नल क्लोजर नल क्लोजर उस पर किसी पर्टिकुलर सिंबल का हम ट्रांजिशन फंक्शन लगाएंगे और जो जितना आएगा उसका फिर मैं नल क्लोजर निकालेंगे यही तो कर देते हैं ठीक ना यहाँ भी ऐसे ही कुछ करेंगे अब पहले सबसे पहला काम कंसीडर कर लिया हमने इनिशियल स्टेट को अब इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकालना होगा ना नल क्लोजर पहले निकालूंगा तो नल क्लोजर क्या तो है तो डायरेक्टली हम लिखने जा रहे हैं नल क्लोजर ऑफ हाँ या लिखने जा रहे हैं नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ व्हाट जीरो इज इक्वल टू नल क्लोजर एक पार्ट हो गया मतलब इससे तीन पार्ट है ना थ्री पार्ट्स आर देयर नल क्लोजर ट्रांजिशन फिर नल क्लोजर तो एक पार्ट तो मैंने कर लिया नल क्लोजर निकाल लिया नाउ आई एम गोइंग टू टेक द ट्रांजिशन इन जीरो सक्सेसर और, ए, ए सक्सेसर और बी सक्सेसर तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जीरो सक्सेसर ऑफ न ए न ए सक्सेसर ऑफ किसका जीरो का नाउ टेल मी सक्सेसर ऑफ जीरो होगा पहली बात इसका हाँ, इसका क्लोजर तो निकल चुका है दैट दैट विल विल बी बी द द डेल्टा ऑफ किसका जीरो कॉमा ए इसमें किसी को प्रॉब्लम ना ए, जीरो, जीरो ए स्टेट आ गया जीरो ऑन ए ये निकलेगा अब जो आएगा उसका फिर मुझे नल क्लोजर निकालना है ध्यान दीजिएगा अभी मैंने नल क्लोजर निकाला यहाँ पे तो जीरो आ गया अब जीरो का फिर ए पे ए इनपुट सिंबल पे हमने डेल्टा लगाया जो भी आएगा उसका हम क्या निकालेंगे नल क्लोजर नल क्लोजर राइट नाउ टेल मी नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ किसका डेल्टा जीरो कॉमा ए जीरो कॉमा ए पे क्या वन तो डेल्टा दिस इज वन राइट नाउ टेल मी नल क्लोजर ऑफ वन नल क्लोजर ऑफ वन दैट इज वन कामा टू वन कॉमा टू सिंपल तो हम लोगों ने पहले टेबल टू टेबल सॉल्व किया था अब लिखना पड़ रहा है राइट ना सिमिलरली बी सक्सेसर बी सक्सेसर ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या लिखू बोलेगा डेल्टा ऑफ जीरो बी यह आ जाएगा जितना आएगा उसका फिर नल क्लोजर नल क्लोजर अव टेलमी नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ किसका जीरो कॉमा बी पी जीरोट इज टू दैट इज टू एंड वट इज वट इज नल क्लोजर ऑफ टू नल क्लोजर ऑफ टू यहाँ पे सेट हो सकता कुछ भी हो सकता था तो यहाँ पे सिंगल आप लिख सकते हैं इसमें टू तो नल क्लोजर ऑफ टू कितना है दैट इज दैट इज टू दैट इज टू भी लिख देता हूं दैट इज टू राइट नाउ टेल मी न्यू स्टेट जनरेटेड न्यू स्टेट जनरेटेड वन टू एंड टू वन टू एंड टू इज न्यू स्टेट तो लिख सकते हैं यहां पे स्टेप टू में स्टेप टू स्टेप टू न्यू स्टेट न्यू स्टेट्स न्यू स्टेट्स कौन वन कॉमा टू वन कॉमा टू एंड टू आर जनरेटेड जनरेटेड देन वट शुड आई डू वन टू एंड टू आर जनरेटेड तो क्या करें अच्छा इसमें एक काम करूँ साइड में साइड में टेबल भी लिखू क्या आपको और क्लियर हो जाएगा जो भी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया जीरो का सक्सेस टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं ए कॉमा बी राइट तो ए कॉमा बी पे क्या किया था जीरो पे आ गया टू अभी तक तो यही हुआ ना डेफिनेटली अब हम क्या किया वन टू एंड टू आर जनरेटेड न्यू स्टेट वन टू एंड टू आर जनरेटेड नाउ अब क्या करूँगा बताइए वन टू को लेंगे वन टू का न्यू क्लोजर नल क्लोजर और फिर जितना आएगा तो क्या लिखू नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ किसका 1.2 वन कॉमा टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए वन टू डायरेक्ट हम लोग क्या किए थे वन टू का नल क्लोजर इज वन टू यूनियन टू यहां पे क्या लिखेंगे यस yes. क्या लिखूंगा ऐसे लिख सकते ना ऐसे नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ वन यूनियन नल क्लोजर ऑफ टू नल क्लोज यूनियन कर लिया दोनों का नल क्लोजर ऑफ वन इज इक्वल टू नल क्लोजर ऑफ वन इक्वल टू वन टू वन टू यूनियन नल क्लोजर ऑफ टू इज इक्वल टू दैट इज टू फाइनली यूनियन क्या हो जाएगा वन कॉमा टू ना ये आ गया अब ये जो आया दिस इज पार्टनर ये आ गया अब इसका मैं ए सक्सेसर और बी सक्सेसर निकालेंगे सिमिलरली जो बचेगा उसका निकाले राइट तो क्या लिखूं ए सक्सेसर ऑफ ए सक्सेसर ऑफ ए सक्सेसर ऑफ किसका बताइएगा वन कॉमा टू फॉलो कर रहे थिंक दैट्स वेरी इजी ए कॉम ऑफ बीज इक्वल टू क्या करूंगा डेल्टा ऑफ सुनेगा ध्यान से डेल्टा ऑफ वन कॉमा टू पर किसका ए का ये ट्रांजिशन लगा लिया जितना आएगा उस पर फिर हम नल क्लोजर लेंगे यही तो कर रहे थे नल क्लोजर टेल मी क्या होगा नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ इसको क्या लिख सकता हूं दोनों को डेल्टा ऑफ वन कॉम आए डेल्टा ऑफ वन कॉम यूनियन, डेल्टा ऑफ टू कॉम दैट्स डन राइट तो नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ बताइएगा डेल्टा वन कॉमा ए वन ऑन ए वन ऑन ए दैट इज फाइव दैट इज फाइव यूनियन टू ऑन ए टू ऑन ए दैट इज वन दिस इज वन तो फाइनली वी कैन से नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ यूनियन फाइव यूनियन दिस इज वन एंड नाउ वन क्लोजर ऑफ वन क्लोजर ऑफ वन क्या था वन टू दैट इज वन टू दिस इज वन टू ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो हम काम टेबल टू टेबल कर रहे थे वही काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं ठीक तो वन टू को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वन टू ले लिया वन टू को सेलेक्ट करके वन टू का ए क्या है अभी वन टू दिस इज वन कॉमा टू राइट अच्छा नेक्स्ट क्या करूं बताइए बताइए क्या करूं हाँ बी सक्सेसर ऑफ बी सक्सेसर ऑफ वन कॉमा टू इज इक्वल टू क्या करूँ डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ वन कामा टू ऑन बी राइट जो आएगा इसका मैं नल क्लोजर लूँगा ठीक कितना आसान है तो नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ अलग अलग डेल्टा ऑफ वन कामा बी यूनियन डेल्टा ऑफ टू कॉमा बी राइट जगह मिलेगा ना स्पेस तो एक साथ ही लिख दूँ ऐसे ही चलो कोई बात नहीं तो क्या होगा इसका नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ ए ऑन बी वन ऑन बी दैट इज फाइव दैट इज फाइव यूनियन टू ऑन बी दैट इज जीरो तो जीरो ठीक तो फाइनली नल क्लोजर ऑफ नल क्लोजर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ठीक ओके okay. तो ए सक्सेसर ऑफ वन टू इच वन टू बी सक्सेसर ऑफ वन टू इच जीरो न्यू स्टेट जनरेटेड टू अभी जनरेटेड था ना ये अभी हमने अभी वन टू पर काम कर रहे थे ना देखिए नल क्लोजर निकाला और उस पर ए सक्सेसर बी सक्सेसर निकाला अब क्या करेंगे अब टू कर लेंगे टू का नल क्लोजर और फिर ए और बी का सक्सेसर निकालेंगे राइट right? तो क्या लिखूँ यहां पे? यहां पे? फिर यहां पे नल क्लोजर ऑफ यहाँ यहां पर नल क्लोजर ऑफ वन टू हो गया नाउ नल क्लोजर ऑफ टू नल क्लोजर ऑफ टू सिंगल स्टेट है कोई बात नहीं देखो कोई बात नहीं टू तो इज इक्वल टू तो, नल क्लोजर ऑफ टू तो कितना है दैट इज टू जस्ट राइटिंग इन टू इसका मतलब नल क्लोजर ऑफ टू तो ये वाला पार्ट आ चुका है मेरा यस या नो ठीक अब हम क्या करने जा रहे हैं अब इसका ए सक्सेसर और बी सक्सेसर ले रहे हैं तो ए सक्सेसर बी सक्सेसर कितना होगा बताइएगा ए सक्सेसर बी सक्सेसर जस्ट लेट मी राइट हियर समथिंग विजिबल है हाँ ए सक्सेसर ए सक्सेसर ऑफ किसका नल क्लोजर का ए सक्सेसर ऑफ टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए डेल्टा ऑफ टू कॉमा ए टू कॉमा ए जितना आएगा उसका फिर नल क्लोजर तो क्या आएगा नल क्लोजर नल क्लोजर ऑफ टू कॉमा ए मीन्स टू कॉमा ए मीन्स वन तो दिस इज वन नल क्लोजर ऑफ वन मीन्स वन वन टू तो दिस इज वन टू ठीक सिमिलरली सिमिलरली बी सक्सेसर ऑफ बी सक्सेसर ऑफ टू इज इक्वल टू नल क्लोजर ऑफ किसका टू कॉमा बी जो आएगा नहीं डेल्टा जो आएगा उसका नल क्लोजर ठीक क्या हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ टू कॉमा बी मीन्स टू कॉमा बी मीन्स दैट इज जीरो इस जीरो और नल क्लोजर ऑफ जीरो दैट इज जीरो सिंपल नॉलेसन नॉलेसन यानि कि आपका इसका न्यू स्टेट जनरेटेड कॉमर टू वन टू का हमने क्लोजर लिया फिर उसका ए सक्सेसर बी सक्सेसर लिया नेक्स्ट टू जो न्यू स्टेट जनरेट हुआ था फिर उसका नल क्लोजर लिया फिर उसका ए सक्सेसर बी सक्सेसर लिया अब हमने ये देखा कि इसमें वन टू इज ऑलरेडी ऑलरेडी डन जीरो इज ऑलरेडी डन वन टू इज ऑलरेडी डन एंड जीरो इज ऑलरेडी डन मतलब नो न्यू स्टेट आर जनरेटेड नाउ नो न्यू स्टेट जनरेटेड सो यहां पे लिख सकते हैं स्टेप थ्री स्टेप थ्री नो न्यू स्टेट इज

तो दैट्स वेरी इजी तो अगर एग्जाम में कभी प्रोसेस लिखने को आ जाए तो यू कैन राइट लाइक दिस सिंपल आगे अगर अच्छा अगर ऐसा सुनिए ध्यान से अगर स्टेप टू में अगर क्लोजर निकालने के बाद कहीं अगर ये आ, जीरो टू आ गया होता या जीरो वन आ गया होता कुछ ऐसा हाँ जीरो वन आ गया होता या जीरो टू आ गया होता तो फिर आप लिखते न्यू स्टेट्स व, जीरो टू एंड वन टू आर तो जनरेटेड सो तो पहले किसी एक का ले लेते और उसका नल क्लोजर निकालते फिर ए बी का सक्सेसर निकालते फिर जो अगर इसमें बचा हुआ है फिर उसका नल क्लोजर फिर ए बी का सक्सेसर ऐसे निकालते उसमें देखते क्या कोई नया स्टेट जनरेट हुआ है फिर उसका फिर अगेन नल क्लोजर ए बी सक्सेसर नल क्लोजर तो क्या करते थे नल क्लोजर ट्रांजिशन नल क्लोजर यही तो काम करते थे याद होगा आपको तो सेम वही काम हमने हमने स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया राइट तो होपफुली आई थिंक you may understand so if i think that's very easy na? if any doubt please write in comment section okay thank you for watching